Hi you guys, welcome to my channel Life is Precious. Kaise ho aap sab? So today's video is about something that I really recommend for all small babies and till the age of 10, 12, till whatever age you can keep your children occupied in things which are involved in learning or encourage learning. Sorry, excuse my hair. I don't know why it's just unreasonably flying. Aaj yahan pe bahut zyada देखो मैं एक घंटे से अपना चश्मा ढूंढ रही हूँ और मेरा चश्मा यहीं लटका हुआ है. सो एक्चुअली यहाँ पे रीजनेबली ग्लूमी था आज एंड इट्स एक्चुअली रेनिंग विच इज़ सरप्राइजिंग क्योंकि सर्दियों में बारिश हो रही है एंड इतना अर्ली स्टेज पे तो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद द वेदर. एनीवेज लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. सो जिस चीज़ को मुझे मैं रिव्यू कर रही हूँ वो एक्चुअली बहुत टाइम से मेरे पास आके रखा हुआ है. इट इज़ एक्चुअली लाइक अ प्रेजेंट और अ गिफ्ट फॉर माई सन फ्रॉम Xplorabox थ्रू आई डोंट नो वाई आई एम रैम्बलिंग सो मच. सो इट्स फ्रॉम Xplorabox एंड इट्स लाइक अ सैंटाज गिफ्ट फॉर माई सन बिकॉज एज यू ऑल नो वेन एवर यू नो यू बिफोर यू कंसीव और even when after your delivery you always feel a first time mother always is paranoid on things and wants to go according to all the rules and regulations. So aise jaise likha hota hai ki 2 saal se pehle aapko bacche ko screen time nahi dena hai. You don't want them to watch TV, you don't want them to be on the mobile for a long time, but after a few months or a few years वो बात एकदम मेरे को लगता है खड्डे में चली जाती है. And slowly because a mother is always multitasking, she has to do a lot of work, she is somebody's daughter-in-law, she is somebody's wife, तो ये सारा कुछ करना होता है. तो अगर आपको बच्चे को चुपचाप बिठाना है तो आप क्या करते हो, देन यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर हैंड्स ओवर द मोबाइल टू द बेबी और या फिर आप टीवी के आगे बच्चे को बिठा देते हो कि आप एटलीस्ट काम कर सको. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बेस्ट चीज़ें होती है बच्चों के लिए जो प्ले बॉक्सेस आते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वीडियो गेम. दीज आर बेसिकली बॉक्सेस जो आप अगर बादल गरज रहे थे जोर से, कैन यू हियर दैट? So basically these boxes are for children's motor skill development and for their learning and बहुत ही अच्छे boxes होते हैं. अभी तक मैंने खोल के देखा नहीं है so क्योंकि मैं 2-3 मिनट से ramble कर रही हूँ already. तो let me just show you, this is Xplorabox. मैंने इसको अभी तक खोला नहीं है. You also get an app with this, so आप अपने phone में app download कर सकते हो and आप you can always like you know get more activities for your children to play in this. Again आपको बच्चे को नहीं दिखानी है एक्टिविटी, आप खुद देखिए कि आप बच्चे को किस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हो. तो वो एक्टिविटीज़ आप देखो और घर पे करो. सो इट सेज एडवेंचर बिगिंस, जो मैंने यहाँ से थोड़ा सा उसको कट कर लिया पहले ही बिकॉज वीडियो में करने से बहुत टाइम वेस्ट होता है. सो लेट्स ओपन दिस. इट सेज लर्निंग थ्रू प्ले. सो ये मेरे बच्चे की एज से थोड़ा सा बड़ा है. दिस इज़ फॉर 2 to 4 years. सो ही इज़ 1.5 राइट नाउ, बट ऑलरेडी मैं उसको इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर चुकी हूँ तो ही नोज़ हाउ टू डू दिस स्टफ. एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने अपने बच्चों के लिए अभी तक ये कुछ नहीं मंगवाया तो आप ट्राई करके देखो. हम लोग हमेशा अपने बच्चे को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि शायद उसको नहीं आता होगा या वो नहीं खेल पाएगा या वो नहीं कर पाएगा. अपने गाइडेंस के अंदर उसको सिखाइए और आप दूसरे तीसरे ट्राई में मतलब आई गेव माई सन, सॉरी लाइट चली गई, आई गेव माई सन समथिंग टू प्ले एंड आई थॉट कि वो नहीं खेल पाएगा. लाइट चली गई. आई होप यू गाइज कैन स्टिल सी मी. मुझे तो ऐसे नज़र आ रहा है. एनीवेज सो आई जस्ट गेव माई सन समथिंग टू प्ले वंस एंड मैंने हमें अंडर एस्टिमेट किया था कि वो खेल नहीं पाएगा, बट उसको मैं छोड़ के एक थोड़ी देर के लिए आई जस्ट स्टार्टेड फोल्डिंग क्लोथ्स बाजू में एंड व्हेन आई लुक बैक ही वॉज ऑलरेडी डूइंग दैट. इट वॉज समथिंग दैट उसने एरोप्लेन्स को स्ट्रिंग में डालना था एंड ही वॉज परफेक्टली डूइंग इट एंड ही वॉज नॉट इवन 1.5 टिल देन. सो आप अगर अपने बच्चे के लिए नहीं लिया है तो आप ट्राई करके देखिए. लेट्स ओपन दिस वंडरफुल बॉक्स एंड सी हाउ द थिंग्स आर इन दिस.
ओके सो इसके अंदर ये पाउचेस बने हुए हैं. दिस अगर आप नहीं जानते हो तो क्या होता है कि दिस इज समथिंग, पूरे महीने का एक थीम होता है इस बॉक्स में. आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो कि हर मंथ के लिए आप ले सकते हो इसको, या आप एक बॉक्स ट्राई करके देख सकते हो अगर आपका बेबी खेलता है कि नहीं. दे आर नंबर्ड लाइक दिस एंड आप हर वीक के लिए एक एक्टिविटी रख सकते हो. सो यू हैव 4 वीक्स बट इसके अंदर एक्टिविटी 4 से ज़्यादा होती हैं. सो यू कैन इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इन दिस. ऑफकोर्स आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको साथ में बैठना पड़ता है, अपने बच्चे को सिखाना पड़ता है, बट एक बार ही आपका बेबी सीख गया तो फिर आप यू कैन बी वरी फ्री कि आपका बेबी कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे आप यू नो ही इज़ नॉट लर्निंग एनीथिंग और ही इज़ नॉट ग्रैस्पिंग एनीथिंग. दीज आर थिंग्स आप देख सकते हो, दीज आर थिंग्स विच अ चाइल्ड कैन ग्रैस्प एंड लर्न. सिंस दिस इज 2 to 4 years का बॉक्स, सो दैट मीन्स कि एज ग्रुप ऐसा है कि कुछ आप अभी करवा सकते हो, कुछ आप रख सकते हो, बच्चे को बाद में करवा सकते हो. सो दीज आर द 1, 2, 3, 4 and 5 एक्टिविटीज. अब इसके अंदर क्या क्या है, लेट्स ओपन इट एंड सी इट वन बाय वन. गाइज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग, बट बच्चों की चीज़ों का मैं इसका वीडियो पहले भी बना सकती थी, बट बच्चों की चीज़ों की वीडियो में ये होता है कि आप हर चीज़ डिटेल में बताओ तो ज़्यादा बेटर रहता है, ईजियर टू यू नो थिंक कि इसको मंगवाना है कि नहीं. सो आई एम ओपनिंग वन एक्टिविटी टू सी वॉट इट इज़. ओके सो इसके साथ ये आता है जिसमें लिखा हुआ है मैच द स्पॉट्स. This fun activity is ideal for increasing a child's concentration skills and will help them in recognizing the patterns. Okay, so now what you have to do is, oh, this is a nice and wonderful game. मैं पहले सोच रही थी match the following type होगा, but अगर आप देख सकते हो तो ये tiger बना हुआ है and ये देखिए ये tiger बना हुआ है and now what the child has to do is match the pattern कि tiger की body कौन सा पैटर्न बना हुआ है जो इस पे भी आएगा. सो इट इज़ दिस, सो दैट्स व्हाट योर चाइल्ड हैज़ टू डू. और मे बी सी लाइक दिस इज़ अ जिराफ, तो जिराफ के ऊपर जो बना हुआ है वो यहाँ बना हुआ है, तो दैट्स हाउ योर चाइल्ड हैज़ टू मैच दिस. सो अगर आपने पहले एक्टिविटी से ही आप समझ गए होगे किस तरीके से आपका बेबी विल लर्न थ्रू प्ले लाइक वॉट दे से. एंड I first activity से I've started liking the box. Let's see further क्या है. You know other mothers will also agree with me कि बच्चों के toys से बच्चों से ज़्यादा हम खुश होते हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में ये सब चीज़ें इतनी तो नहीं होती थी. Okay, तो इसमें ये एक board है, ये trees है, tree बना हुआ है and ये crocodile बना हुआ और ऐसे कुछ और भी हैं यहाँ पे लाइक स्नेक है, टर्टल टॉर्टिस जो कह लो आप एंड लिजर्ड है. नॉट आई डोंट रियली लाइक दीज रेप्टाइल्स. ये स्पंज दिया हुआ है, दिस इज सम स्टिकर काइंड ऑफ अ थिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज. एंड पढ़ लेते हैं कि एक्टिविटी क्या है एक्चुअली. ऑल्सो देयर वर दीज पेंट्स इन दिस विद दिस प्लेट टाइप ऑफ अ थिंग. सो एवरी थिंग कम्स इन द बॉक्स. बॉक्स में सब कुछ होता है, तो आपको अलग से कुछ लेना नहीं होता. मैसी मैट ये वो सब मिलता है आपको कि आप नीचे बिछा के बच्चे गंद ना मचाएं. ओके प्लेस द बोर्ड ऑन द टेबल एंड एक्चुअली इट्स अ पेंटिंग थिंग सो यू कैन सी हाउ इट वर्क्स. और इसमें पूरा एक्टिविटी एक्सप्लेन्ड है सो दैट आपको पता हो आपको करवाना क्या है बच्चे से. एंड हियर इट सेज़ कि फाइन मोटर स्किल्स एंड क्रिएटिव स्किल्स एंड प्ले एंड सोशल स्किल्स आपके बच्चे का बढ़ाता है. सो दिस इज़ द सेकेंड एक्टिविटी. सो आई थिंक कि जो जो वीडियो देख रहे हैं एंड हुएवर इज़ वॉचिंग दिस विल ऑल्सो स्टार्ट लाइकिंग दिस. तो जो जो देख रहे हैं आई एम श्योर दे विल ऑल्सो स्टार्ट लाइकिंग दिस देखते ही देखते कि क्या चल रहा है. ओके नेक्स्ट इज़ लुक्स लाइक अ पजल. जो एक पजल ये रहा, एक ये एलिफेंट बना हुआ है, सो क्वाइट क्यूट. और उसके पीसेस गिर रहे हैं तो मैं, ये लायन है. बेस्ट चीज़ अच्छी लगती है कि अगर आपको कोई कार्टून टाइप का चीज़ मिलता है तो कार्टून की शक्ल अच्छी होनी चाहिए. यू नो दीज आर क्यूट. सो गाइज इट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड, एज इन स्पॉन्सर्ड आई डिडंट गेट मनी फॉर दिस वीडियो टाइप थिंग, बट येस आई डिड रिसीव दिस पी आर पैकेज और अ बॉक्स वट एवर इट इज़. बट कहीं भी नहीं हैव दे टोल्ड मी कि आपको सिर्फ हमारी तारीफ करनी है, आप यू कैन नॉट गिव एन ऑनेस्ट रिव्यू.
मैं कभी भी कोई भी चीज़ को रिव्यू करती हूँ, आई ऑलवेज 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 गिव एन ऑनेस्ट रिव्यू. एंड मुझे अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है तो मैं फ्रैंकली अपने वीडियोज़ में बोल देती हूँ. सो एज़ फार अभी तक तो मुझे हर चीज़ अच्छी लग रही है, इसलिए मैं कोई बुरी चीज़ नहीं बोल रही हूँ, या बुरी तो नहीं, एडवांटेज डिसएडवांटेज बोलना होता है. सो इस चीज़ का ये है कि दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली फॉर वेरी स्मॉल बेबीज, दैट इज़ वाई उन्होंने रेंज दिया हुआ 2 to 4 years. सो यू कैन ऑलवेज कीप दिस पज़ल. अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए तो आपके लिए बच्चे बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, और जैसे जैसे उनका मेंटल स्टेट ग्रो होता जाता है आप उनको ये दे सकते हो. बट पज़ल एक ऐसी चीज़ है जो आप थोड़ा अपने गाइडेंस में कराओ तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज चिल्ड्रन कैन पुट इट इन द माउथ. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट, एंड आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके अंदर. सो दैट वॉज द थर्ड एक्टिविटी. इसको खोल लेते हैं फोर्थ को. तो ये बैग इस तरीके से स्टिक हुआ रहता है, तो आई जस्ट ओपनिंग दिस लाइक दिस. सो दिस हैज दीज फ्रूट्स. ये पीछे स्टिक करने वाला है, कुछ उसमें गिर गए हैं अभी निकालते समय. ओके सो आई थिंक जो गिर गया है उसी को उठा के मैं बता देती हूँ. दिस इज हाउ दिस इज, एंड इसको ऐसे ये बच्चे लगा सकते हैं सारे फ्रूट्स को इस ट्री पे. एंड ये मेरे ख्याल से बच्चों का इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए एक व्हील है जिसमें फ्रूट्स बने हैं, जैसे एप्पल एंड ये क्या बना है, बनाना एंड मैंगो. एंड दिस इज़ वॉट दे हैव टू डू. दिस क्यूट मंकी ओके, वो मंकी गया कहाँ जिसको मैं मंकरी बोल रही हूँ. ओके सो दिस इज़ द मंकी हु सेज फीड मी. सो दिस क्यूट मंकी इज़ हंग्री एंड इट ईट्स ओनली फ्रूट्स, बट यू हैव टू फीड इट राइट और इट्स स्टमक विल बी अपसेट. मतलब अगर आप अच्छी चीज़ें नहीं खिलाओगे तो पेट खराब हो जाएगा. तो बच्चों को भी ये सिखाना बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप बेटा अच्छी चीज़ें नहीं खाओगे, हेल्दी चीज़ें नहीं खाओगे, तो योर स्टमक विल गेट स्पॉइल. प्ले दिस फन गेम ऑफ काउंटिंग एंड फीडिंग दैट विल इन्हांस योर चाइल्ड्स मोटर स्किल. अब ये पेड़ पे कैसे लगेगा वो तो नहीं लिखा है. ओके तो बच्चों को क्या करना है कि पेड़ ये इस तरीके से, इसका ये है पीछे ये जो है पार्ट, तो इसको इस तरीके से खोलना है, लगाना है. एंड यू हैव टू प्लक फ्रॉम द ट्री एंड फीड द मंकी. दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू. एंड इट इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम फॉर द चाइल्ड टू बी इन्वॉल्व. प्लीज डू नॉट थिंक दैट अ 2-year-old कैन नॉट डू दिस. यू इफ़ यू ट्राई एंड टीच योर चाइल्ड, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड. आपको लगता है कि आपका बेबी ग्रास्प नहीं कर रहा है, बट दे रियली learn it well. They see what you do. See, that is how they start walking, learning, talking, or pointing at things, because they are noticing what you are doing. So you have to help them initially, but baad mein bachche seekh jate hain. To last wala jo hai wo thoda heavy packaging hai, to dekhte hain ye hai kya. Let's open it and see. Pata nahi iske saath koi book thi ki nahi. Because normally there is always a book in these boxes. Okay, so these are very heavy stickers. Can I say that? I don't know why they are so heavy. ये बहुत ही भारी है, like you know they are falling. ये देखो flimsy नहीं है, hill भी नहीं रहा, इतना heavy है. I don't know magnetic है क्या. Let me just see what it is. वो stickers थे, ये page है जिसपे ये बने हुए हैं. ये पेज है जिस पे ये बने हुए हैं. एंड दिस इज़ अ बोर्ड. आई एम हैविंग अ फीलिंग कि ये थोड़ा मैग्नेटिक है, आई गेस. लगा के देखते हैं फिर हम पढ़ते हैं कि था क्या. पहले ट्राई तो कर ले क्या है. ओ यस, ये देखिए. सो दिस इज सच एन एक्साइटिंग थिंग टू शो योर बेबी. अगर आपका बेबी रो रहा है, कुछ कर रहा है, एंड यू जस्ट डू है. नहीं, इतना भी उससे एक्साइटमेंट से मत कीजिएगा जैसे मैंने किया था. बट इफ़ यू जस्ट डू दिस, ये देखिए चिपक गया. मैंने एक्चुअली बोर्ड ऐसे पकड़ा हुआ था, ये देखिए. तो यू इफ आई एम डूइंग इट कंटिन्यूसली, तो आप सोचो कि बेबीज को कितना एंजॉयमेंट हो रहा होगा. ये किस लिए है ये सब देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है. प्लेस द मैग्नेटिक बोर्ड ऑन द टेबल, प्लेस द जंगल शीट. ओके सो वॉट योर बेबी हैज़ टू डू इज, आपको ये शीट इस तरीके से बोर्ड पर लगानी है. ओके एंड देन आपको बच्चे को ये ऐसे जोड़ के देना है कि कैंगरू पे कैंगरू लगाए. नाउ सी,
कई बार क्या होता है कि आपका बेबी अगर छोटा है, लाइक इफ योर चाइल्ड इज 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड और दे माइट नॉट अंडरस्टैंड कि ये चीज़ इस पे लगानी है. देन यू कैन यू नो स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम. वंस दे आर कंफर्टेबल विद दिस एंड वंस यू थिंक कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, तब आप उनको मैच करवा सकते हो. डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि इस गेम को ऐसे खिलाना है तो मैं ऐसे ही खेलूंगी और बच्चा मेरा ऐसा क्यों नहीं खेल रहा है और इस पर यही क्यों नहीं लगा रहा है. नॉट नेसेसरी, बच्चे अपने तरीके से सीखते हैं, अपने तरीके से खेलते हैं, सबके बच्चे डिफरेंट होते हैं. सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ एंड दिस इज़ वेरी हैवी. तो ये हैवी था और पीछे से काला था तो मुझे लग रहा था कि ये मैगनेट्स है. आई डोंट नो अगर ये फ्रिज व्रिज पे चिपक जाते हैं तो बाद में आपके काम आ सकता है ये. सो ऑल इन ऑल आई रियली लाइक द बॉक्स एंड आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप चेकआउट कर सकते हो. ऑल्सो देर विल बी अ कूपन कोड, आई विल चेक कूपन कोड है कि नहीं. सो वो अगर मैं लिंक दे दूंगी नीचे तो हो सकता है आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाए. आई विल ट्राई टू गेट अ कूपन कोड क्योंकि किसी भी चीज़ पर डिस्काउंट मिलता है तो बेस्ट रहता है. और अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है तो आपको मैंने दिखा दिया है, ये थीम का नाम था जंगल सफारी. इफ यू थिंक कि यू लाइक दिस देन यू कैन ऑर्डर, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो वहाँ पे. सब्सक्रिप्शन होता है उन लोगों का 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का. अगर आप चाहते हो तो आप एक बॉक्स पहले ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है देन यू कैन गो इन फॉर अ सब्सक्रिप्शन. बट आई फील कि इलॉजिकल चीज़ें देने से अच्छा है बच्चों को आप इस तरीके की चीज़ें दो कि आपको भी फिक्र नहीं रहेगी कि मेरा बच्चा कुछ सीख रहा है कि नहीं. क्योंकि देर आर मेनी थिंग्स जो बच्चे खेलते हैं बट दे आर जस्ट नॉट लॉजिकल एंड आपका बेबी उसे कुछ पिकअप नहीं कर रहा है. इससे आप अपना थीम चेक कर सकते हो. हर मंथ की एक थीम होती है, आपको जो भी थीम पिकअप करनी हो आप ले सकते हो. एंड इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग मनी, यू नो दैट 2 to 4 ईयर्स का है तो आप उसको जो कोई गेम अगर अभी नहीं खेल रहा है तो आप उसको उठा के अच्छे से रख दो क्योंकि ये अच्छे बैग्स में आते हैं. मैंने उसकी हालत ख़राब कर दी है. आप उस बैग को उठा के रख दो एंड बाद में जब आपको लगेगा कि अब आपका बेबी खेल सकता है आप उसको तब दे दो. तो दैट इज़ फॉर That's it for today's review and thumbs up from my side to Xplorabox. I really encourage these kind of things. जो भी लोग इस तरीके की चीज़ों में अपना टाइम, एफर्ट और दिमाग इन्वेस्ट करते हैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाने के लिए, सो दैट दे कैन ग्रो देयर डेवलप, ग्रो देयर ब्रेन्स फास्टर और लर्न फास्टर. सो आई ऑलवेज रिकमेंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स ओवर दी अदर टॉयज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट. So if you like this, you can buy it and totally depends upon you, how you like the review and how honest you felt that the review was. Please comment in the section down below ki aapko box kaisa laga and do you feel that you should be ordering these kind of things for your child or do you already order and what is your experience. So aap wo share kar sakte ho. Agar aapne channel ko subscribe nahi kiya hai to please niche ek subscribe ka button hoga usko subscribe kar dijiye. If you like the video, please like it. And if you have friends and family who have children and you want them to see this, it's better to see something on a video or images kisi cheez ki mangane se pehle, so that aisa na ho ki aapne cheez manga li and then you regret that you have spent $1,000 or $1,200 or $500 or $100 or any kind of amount of money. अगर आप कोई चीज़ मंगवा लेते हो और वो आपके लिए अच्छा नहीं आता एंड यू डोंट फील लाइक रिटर्निंग इट ऑल्सो, बट मन भी खट्टा हो जाता है, तो इससे अच्छा तो आप कोई वीडियो देख लो. इफ़ यू हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली हु वॉन्ट टू वॉच वीडियोज़ लाइक दिस, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय.